वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को सीखने जा रहे हैं वह है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हें एल्केन भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसे एल्केन भी कहा जाता है। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को एल्केन कहते हैं। इन सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम एन के साथ समाप्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है, CnH2n+2, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। चलिए अब उदाहरणों की सहायता से संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करें। यदि एक एल्केन के अणु में एक कार्बन परमाणु होता है, जब n एक के बराबर होता है, सामान्य सूत्र के अनुसार इसका यौगिक सूत्र CH4 बन जाता है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। इसी तरह यदि हम N 2 के बराबर लेते हैं तो हम ईथेन प्राप्त करते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक रूप से बहुत अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, यानी ये काफी कम अभिक्रियाशील होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु एक द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं, वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ईथेन और इथाइन दो महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि ईथेन में द्विआबंध होता है और इथाइन में एक त्रिआबंध होता है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक द्विआबंध बनाया जाता है, जबकि दो कार्बन परमाणुओं के बीच तीन इलेक्ट्रॉन जोड़े के साझाकरण से एक त्रिआबंध बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग नामक प्रक्रिया द्वारा ज्यादातर पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक द्विआबंध हाइड्रोकार्बन को एल्कीन भी कहा जाता है। दो त्रिआबंध हाइड्रोकार्बन को एल्काइन भी कहा जाता है। अब हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु एक द्विआबंध से जुड़े होते हैं, वह एल्कीन कहलाता है। इन एल्कीन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन जोड़े के साझाकरण से बनता है। इथीन C2H4 और प्रोपीन C3H6 दो अलग अलग एल्कीन्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि केवल एक कार्बन परमाणु होने पर कोई एल्कीन नहीं हो सकता है? एक एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, जहाँ n उस अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। एक, यदि किसी एल्कीन के अणु में दो कार्बन परमाणु हैं, तो n 2 के बराबर है
और इसका आणविक सूत्र C2H4 होगा। दो, इसी तरह जब N 3 के बराबर है तो हमें प्रोपीन मिलेगा। सबसे सरल एल्कीन इथीन है और इसका सामान्य नाम इथिलीन है। आइए अब एल्काइन के बारे में चर्चा करते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है जो तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनता है। इथाइन और प्रोपाइन एल्काइन होते हैं क्योंकि उनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिआबंध होता है। इसके अलावा एक और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि केवल एक कार्बन परमाणु होने पर कोई एल्काइन नहीं हो सकता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, जहां N एल्काइन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। उदाहरणों की मदद से इसकी चर्चा करते हैं। एक, यदि किसी एल्काइन के अणु में दो कार्बन परमाणु हैं, तो N 2 के बराबर है। इसका सूत्र C2H2 होगा, जो कि इथाइन है। दो, इसी तरह अगर हम N 3 के बराबर लेते हैं तो हमें प्रोपाइन मिलेगा। सबसे सरल एल्काइन इथाइन है, जिसका सूत्र C2H2 है और इसका सामान्य नाम एसिटिलीन है। साथ ही बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरे शब्दों में एल्कीन और एल्काइन एल्केन की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक अभिक्रियाशील हैं। दो कार्बन वाले एल्केन को इथेन कहा जाता है, दो कार्बन वाले एल्कीन को इथीन कहा जाता है और दो कार्बन परमाणुओं वाले एल्काइन को इथाइन कहा जाता है। ये सभी यौगिक सहसंयोजक अणु हैं, जो विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनते हैं।